और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है लिस्ट। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू बीजेपी के प्रत्याशी और उपचुनावों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंतजार इसी सूची का किया जा रहा था। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उस तारीख के अनाउंसमेंट के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी जयपुर और दिल्ली प्रत्याशियों के चेहरों पर चुनाव से पहले किस तरह से रामगढ़ से सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया है, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू और साथ ही साथ दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट मिला है। ये 7 सीटें उपचुनावों वाली, जिसमें टिकट का ऐलान देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर को टिकट, खिवसर से रेवंत राम को टिकट मिला है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सूची सामने आ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दौसा से जगमोहन मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, रामगढ़ से सुखवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इन उपचुनावों के लिए। और ये बहुत बड़ी खबर क्योंकि लगातार दिल्ली में भी, आपको याद होगा कि जब जयपुर में कोर कमेटी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी, उसमें 3-3 नामों के पैनल तैयार किए गए थे और उन पर डिस्कशन के बाद कभी भी इस पर अंतिम मुहर लगने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अंतिम मुहर लग चुकी है। आदिति नागर मेरी सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर जुड़ी हैं। आदिति, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों के लिए भी अपनी सूची राजस्थान के लिए 7 सीटों पर जारी की है। नाम आपके सामने, किस तरह से विश्लेषित करेंगे इन नामों को आदिति? देखिए, सबसे पहले आपने लंबे समय से एक मुद्दा चल रहा था जो कि रोड़ी लाल मीणा से जुड़ा था। दौसा में उनके भाई को जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाकर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए तमाम तरीके की चीजें हुई, लोकसभा चुनाव में वो जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाहते थे और अब दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट मिल चुका है। लेकिन इससे साफ समझ आ रहा है कि अब जो रणनीति कांग्रेस की है वो संभवतः एक ब्राह्मण को वहां से उतारा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी इसके सामने अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार करती है। लेकिन बात राजस्थान की है, राजेंद्र भांबू को टिकट दी गई है, सुखवंत सिंह को रामगढ़ से टिकट दी गई है, दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दी गई है, देवी उजारा से राजेंद्र गुर्जर को, और ये पहले से भी तय माना जा रहा था, खिमसर से रेवंत राम डांगा को टिकट दी गई है, जयपुर से शांति देवी मीणा को यहाँ पर टिकट दी गई है। जाहिर तौर पर इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, असम, इन तमाम कई जगह लोकसभा उपचुनाव के लिए, केरल को जैसे वायनाड का जिक्र करें तो नाव्या हरिदास, यानी कि प्रियंका गांधी के सामने नाव्या हरिदास महिला को टिकट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश की 2 सीटें और इसके साथ साथ राजस्थान की 6 सीटों का नाम आज सामने आया है। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों का भी नाम यहाँ पर सामने आया है। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण जो है नाम, क्योंकि पिछले दिनों कई बार बैठकों का दौर हुआ जिसमें ये तो तय था कि जाट, गुर्जर सभी को टिकट देनी है।